नमस्कार दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार की समस्या का प्रवेश होता है तो उस समय हमें और ज्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता होती है। उस समय हमें और ज्यादा सकारात्मक होने की आवश्यकता होती है। डियर फ्रेंड्स, मैं एक्चुअल में आज न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि न्यूज़पेपर में स्पेशली आया था कि लॉक डाउन में तेजी से बढ़ने लगे हैं मानसिक अवसाद के मामले। शायद जिन लोगों ने यह अखबार पढ़ी है, पंजाब केसरी है, आज 5-6 तारीख की है, आज ही की है, 6 तारीख की। तो इसमें यह लिखा था कि जो भी मनोचिकित्सक हैं उनके पास लोगों की जो तादाद है वो 3 से 4 गुना बढ़ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग जो हैं वो इस बीमारी के चक्कर में है या इस बुरे दौर की वजह से जो उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है या बंद कमरे में रहकर जो घुटन फील कर रहे हैं या अंदर रहकर जो घुटन फील कर रहे हैं, तो किसी भी तरह से कुछ भी रीजन हो उसके ऊपर चलो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, कारण कुछ भी हो, लेकिन परिणाम जो मानसिकता के ऊपर जो प्रहार हो रहा है इससे हम कैसे बचें, इसके ऊपर मैं आप लोगों से थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। डियर फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताऊं कि आपको जो इस बुरे दौर से बचा सकता है वो है सिर्फ एकमात्र हथियार, और वो है ज्ञान। अभी आप सोचोगे ज्ञान कहां से आएगा, मैं आपको बताऊं, घर में बैठे हैं, डोंट वेस्ट टाइम कि आप टीवी देखें पूरा दिन, पूरा दिन आप इंटरनेट देखें, पूरा दिन आप बेकार सोकर समय गुजारें। उससे बेहतर तरीका है कि आप किताबें पढ़ें। आपको बताऊं, आप गीता पढ़ें, आप कोई भी ऐसी बुक पढ़ें जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे, ऐसी कोई बुक पढ़ें जो आपको जीवन का सही अर्थ समझाए, ऐसी बुक पढ़ें जो आपको नीचे से ऊपर उठने का एक मकसद दे, ऐसी बुक पढ़ें जिस बुक के पढ़ने से आपके अंदर ना खुशी आए, आपको ये बताए कि एक्चुअल में जो मानसिक शांति है, जो एक परम सुख है वो कहाँ है। इस तरह की बुक्स, इस तरह का ज्ञान आप एकत्रित करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप बिना ज्ञान के बंद कमरे में पड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं यार आप ना जब पूरा दिन नेगेटिव देखेंगे, आप न्यूज चैनल देखेंगे वहां नेगेटिविटी आ रही है कि आर्थिकी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रोजगार चला जाएगा। न्यूज़पेपर उठाएंगे आप, उसमें आता है कि इतने परसेंट युवाओं के रोजगार छिन जाएंगे, ये हो जाए, मतलब जहां देखें वहां सिर्फ यही चर्चा आपको मिलेगी कि ये छिन रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, लेकिन आपको क्या मिल रहा है इसके बारे में तो कोई चर्चा है ही नहीं है। तो बेटर ऑप्शन, अगर आप चाहते हो कि आप मानसिकी मजबूत रहें और इस दौर में जो दौर आपको गलत लग रहा है इसमें आप पूरी मजबूती के साथ खड़े रहना चाहते हो, तो प्लीज ज्ञान एकत्रित करो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, अपने अपने आप को मेडिटेट करो। सुबह आप आधे से 1 घंटा अपनी मेडिटेशन पे लगाओ। यार ये वो चीजें हैं जहां पे आपको ना पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, ये वो संसाधन है जहां कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी कही हुई कुछ चंद बातें कर ली तो आपको मनोचिकित्सक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात का खास ख्याल रखें, क्योंकि हर चीज बनाई जा सकती है, हर चीज तैयार की जा सकती है। यार पैसा क्या है, पैसा खेल है, ठीक है, कुछ भी ऐसी असंभव चीज नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना अति आवश्यक है। क्योंकि एक बार मनोबल गिर गया या हमने अपनी जो मानसिक सोच है उसको कमजोर कर लिया तो जो हमारे पास है वो तो छिन जाएगा पक्का, लेकिन कुछ नया पाने की भी हम हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ कि शायद
आप लोगों ने मेरी भावनाओं को समझा होगा और शायद आप हो सकता है कि मेरे से भी ज्यादा समझदार इंसान है सभी। तो जो मैंने बोला इसके ऊपर आप ना प्लस करो, इसके ऊपर जाओ आप और अपनी बुद्धि कौशल का इस्तेमाल करते हुए ऐसे ऐसे काम करो जो आपको मजबूत करें, ऐसी ऐसी चीजें देखो या ऐसे ऐसे कृत्य करो जहां से आपको मानसिक बल मिले इस दौर से बाहर निकलने का। वरना डियर फ्रेंड्स, अगर आप खुद को नकारात्मक करोगे या खुद को अंडरएस्टिमेट करोगे या अपने बारे में हमेशा यही सोचते रहोगे कि अगर ये छिन गया तो ये तो नया कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हर चीज हो सकती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो खुद को कमजोर ना करें, मजबूत करें और जो भी दिशा निर्देश इस भयानक बीमारी से बाहर निकलने के लिए होते हैं उसको पॉजिटिवली फॉलो करें और अपने आप को मजबूत बनाए रखें, क्योंकि आपकी मजबूती में ही आपका भविष्य है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो इजाजत देंगे अपने दोस्त यशपाल चंदेल को। जय हिंद, जय हिमाचल।